सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह ने जैसे ही लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल को पेश किया, वैसे ही हंगामा शुरू हो गया। नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने इस बिल के मसौदे को संविधान की प्रस्तावना पर चोट करने वाला बताया। अधीर बोले कि इस बिल के जरिए देश के अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। नेता विपक्ष के इस आरोप का जवाब देने के लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह उठे और उन्होंने कहा कि ये बिल कहीं से भी अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है और वो विपक्ष की हर शंका का जवाब देने को तैयार हैं, बशर्ते विपक्ष वॉकआउट ना करे। हालांकि विपक्षी सदस्य अमित शाह के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और सदन में हंगामा जारी रहा।